करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है। अभी तुम्हें मेरी खुदगर्जी लग रही होगी, लेकिन बेटा एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें फरिया की कदर कीमत का अंदाजा होगा। आप खुश है ना? मेरे लिए इतना ही काफी है। सोचा नहीं था कि माया की शादी इतनी सादगी से करनी पड़ जाएगी। दिल में 100 अरमान थे मेरे, सारे के सारे दिल में ही रह गए। धूमधाम से शादी करते तो सारी दुनिया देखती। बहुत ही नाशुक्री हो गई तुम। माया ने अपनी पसंद से शादी की है, अपनी खुशी को पूरा किया है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता था। और फिर तुमने लाखों रुपए का जहेज दिया है, मुझे तो मालूम भी नहीं कहां से दिया है, लेकिन तुम्हारा मलाल तो खत्म ही नहीं हो। सारे माँ बाप अपनी बेटियों को जहेज दिया करते हैं, हमने कोई कमाल नहीं किया सिराज साहब। फरिया, फरिया! खुदा के लिए फरिया को किसी काम पे मत लगा देना, 2 दिन के बाद उसकी भी शादी है, इतना हक तो है उसका कि 2 रोज अपने घर में आराम कर ले। जी बड़ी अम्मी। फरिया, सलमान और माया घर पे ही खाना खाएंगे, तो तुम ऐसा करो कि देख लो क्या क्या बनेगा और कोई चीजें नहीं है तो उनकी लिस्ट बना लो। वो बड़ी अम्मी, माया का यहाँ आने का इरादा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अब ये घर तुम्हारा है माया, इधर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। शुक्र है कि हमने बर वक्त बिल्कुल सही फैसला किया, इस तरह हमने अपनी तमाम खुशियों को महफूज कर लिया। तो शाम को हमारी इस्लामाबाद की फ्लाइट है, अभी तक हमने कोई पैकिंग भी नहीं की, तो मेरा ख्याल है पहले ये सब कर लेते हैं। सलमान, मैं सोच रही थी कि फरिया की शादी अटेंड करके इस्लामाबाद चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता, वहां सारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह मौजूद होंगे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे तुम्हारे साथ देखें, मेरी खुश नसीबी पे रश करेंगे सब। ऐसी सारी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है माया, और वैसे भी मैं तुम्हारे रिश्तेदारों में जाके क्या करूंगा, मेरा उनसे क्या सर होगा। और मैं तो चाहता भी ये हूं कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में कुछ ना सोचो। वैसे उधर तुम्हारा पहले वाला मंगेतर भी तो होगा ना, जिसकी शादी अब तुम्हारी किसी कजन से हो रही है, कहीं तुम उसी की वजह से तो वहां नहीं जाना चाह रही। माया का फोन आया था, वो कह रही है कि वो लोग आज ही ट्रिप पर निकल रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज का कह रही थी, और उसने ये भी कहा कि जब पासपोर्ट बन जाएगा तो मुल्क से बाहर भी जाएंगे। माशाल्लाह, ये सलमान तो बड़े दिल वाला निकला। देख लीजिएगा सिराज साहब, मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आप खामखा में गुस्सा हो रहे थे, मैं जरा माया से बात कर रहा हूँ। फरिया रुकना बेटा। जी। क्या फजूल बात कर रहे हो सलमान, मेरा उससे क्या वास्ता? हाँ, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने उसका रिश्ता ठुकरा कर तुम्हारे हक में फैसला किया था। मजाक कर रहा हूं मैं तुमसे। नाराज हो गई। I'm really sorry. अम्मी का फोन आ रहा है, बात करके आती हूँ। मैं गुस्से में तुम्हें ज्यादा ही कुछ कह गया, माया की नाफरमानियों का गुस्सा भी तुम पर ही निकाल दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं फरिया, मैं जानना चाहता हूं कि सलमान का आना तुमने मुझसे और अपनी बड़ी अम्मी से क्यों छुपाया। मुझे जवाब चाहिए फरिया। मुझे यह भी मालूम है कि तुम इस तरह की लापरवाही नहीं कर सकती हो। तो क्या हुआ था, तुम्हारी बड़ी अम्मी ने तुम्हें मना किया था? मुझे पहले ही शक था, सब कुछ नादरा की वजह से ही हुआ होगा। खैर, तुम्हारी शादी खैर खैरियत से गुजर जाए, फिर बात करता हूं इनसे। नहीं बड़े अब्बा, वो
बड़ी अम्मी की कोई गलती नहीं है। मैं डर गई थी, मैंने इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा। ठीक, अपने हाथों से बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से। अच्छा है ना, फरिया को तो बहुत पसंद आया। मुझसे कह रही थी कि सारे कपड़ों में सबसे प्यारा जोड़ा यही है तुम्हारा। अगर फरिया को इतना ही पसंद आ रहा है तो ये सूट इसी को दे दे, जरूरी तो नहीं कि जिसके लिए सिले वही पहने। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये सब क्या हो रहा है राना? अमार ने मना क्यों नहीं किया? वो कैसे राजी होगा इस शादी के लिए? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या खराबी है वो जो तुम्हें ना पसंद करेगा? और वो तो उस वक्त उसका दिमाग खराब हुआ था, माया का भूत सवार हुआ था उस पर। तुम बेफिक्र रहो, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा राना, अमार मोहब्बत करता है माया से, जरूर नानी ने मजबूर किया होगा उनको, तो कुर्बानी दे रहा है बेचारा। परिया तुम भी तो सिराज अंकल की वजह से राजी हुई हो ना, तुम उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, वरना मना तो तुम भी कर सकती हो, कोई मजबूर तो नहीं कर सकता ना। अच्छा बाबा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देखो लेट मत करना। बी अ गुड गर्ल। फरिया ने मुझे एक फोन तक नहीं किया, मैं समझ रही थी कम अज कम वो मुझे आने का तो कहेगी। सारी उम्र हम साथ रहे और इतने अहम मौके पर मुझे उसने बुला दिया, मैं ऐसा नहीं समझती थी उसे। माया तुम वहां जाके क्या करोगी? बार बार ये बात करके मेरा मूड ना खराब करो, वहां फिर से वही देसी रस्में होंगी, मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों से झूठा मिलना पड़ेगा। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि हम लोग वहां नहीं। मुझे अपने जाने से ज्यादा वहां नजरअंदाज किए जाने का एहसास तकलीफ दे रहा है सलमान। अब्बा फरिया ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा, वहां पूरा खानदान मोहल्ला मौजूद होगा, धूम धमाका फरिया के लिए, और मैं। माया क्यों रंज करती हो? हमारी जिंदगी इन मामूली बातों से कहीं आगे है। एक बार अब तुम प्लेन में बैठोगी तो सारी परेशानियां और सारी फिक्रें यहीं छोड़ जाओगी। थक गई आज तो मैं, शादी के फंक्शन कितनी देर तक चलते हैं, ऐसा लगता है कि लोगों को घर जाना याद ही नहीं रहता। और वो अमार की नानी, वो तो ऐसी तसल्ली से बैठी हुई थी जैसे उन्हें घर जाने की जल्दी ना हो। मैं तो अमार की नानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई, उनकी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है, वरना हम किस किस को जवाब देते। रिश्तेदार तो खैर आज भी सवाल कर रहे थे कि माया की शादी इतनी सादगी से क्यों कर दी, और फरिया की शादी में माया क्यों नहीं नजर आ रही? तो बता देना था तो तुमने कि माया का शौहर बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला, लेकिन भाई उसे खुद नुमाई पसंद नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करता, इसलिए हमारी मजबूरी थी तो हमने खामोशी के साथ इंतहाई सादगी के साथ निकाह कर दिया। तंज कर रहे हैं? खूब समझती हूँ मैं। मेरी ये मजाल कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तंज करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक लिस्ट बनाई है मैंने उसके जहेज की, कुछ जरूरी चीजें हैं जो कल तक पहुंचानी है, बाकी चीजें तो जाती रहेंगी, ये देख लो। और हाँ,
एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कल राणा के साथ जाना पड़ेगा और कपड़े लेके आने पड़ेंगे उसके। अब इतनी जल्दी जल्दी में मेरी समझ में तो और कुछ नहीं आ रहा भाई। इतनी जल्दी में इतना जहेज कैसे खरीदा जा सकता है सिराज साहब? क्या मतलब है तुम्हारा? अजीब बात कर रही हो तुम। मतलब तुम क्या चाहती हो, मैं बगैर जहेज के भेज दूं उसे? ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि माया जितना जहेज दूं, लेकिन अपनी हैसियत औकात के मुताबिक मैं जो कुछ दे सकता हूँ जरूर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उधार ही क्यों लेना पड़े। मेरी बात को समझने की कोशिश करें सिराज साहब, एकदम इतना सब कितना है? बहुत तो नहीं, जितना माया लेके गई है अगर उससे मुकाबला करें तो कुछ भी नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके पास ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, वो ज्वेलरी जो उसकी माँ छोड़ के गई थी। भाभी के पास बहुत जेवर था, देखो जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। खैर अब वो फरिया की मलकियत है, मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि वो अपने साथ सब कुछ लेके जाएगी, इसमें हमारी भी इज्जत है ना। मैंने लिस्ट बनाई थी उसकी ज्वेलरी की, ये रखी है कहीं, कहाँ रख दी, ये अब ये चेक कर लो, सारी चीजें पूरी कर लो, वरना मसला ना हो जाए खुदा ना खास्ता, अगर एक चीज भी कम हुई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अम्मा तुम्हारी किस्मत में लिखा था फरिया, इसीलिए तुम्हें मिलना ही था। माया वो तो बस ऐसे ही बीच में आ गई थोड़े से वक्त के लिए। बीच में तो मैं आ गई थी, अम्मार और माया के हमार तो यही सोचता होगा ना, बहुत गुस्सा आता होगा उसको मुझ पर। अम्मार बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता फरिया, वो जानता है कि माया ने खुद शादी से इनकार किया क्योंकि वो सलमान को पसंद करती है। हर इस तरह माया ने अपनी सबसे बड़ी खुशी भी पूरी कर ली, उसने एक दफा भी ये नहीं सोचा होगा कि उसके पीछे यहाँ कौन क्या भुगतेगा। फरिया तुम माया के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हें और माया में जमीन आसमान का फर्क है, तुम बिल्कुल उस जैसी नहीं हो। और मैं तो कहती हूँ कि तुम माया से मिलो भी मत, भूल जाओ उसको। राणा इस दुनिया में सिर्फ खुदगर्ज लोग ही खुश रहते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और अपनी खुशी के लिए किसी को भी पैरों तले रोल देते हैं। फरिया तुम देखना मार के साथ कितना खुश रहोगी, उसे बहुत जल्द तुम्हारी सारी अच्छाइयां पता चल जाएंगी। वो तो मुझसे भी ज्यादा काबिले रहम है, ठुकराए जाने की अजियत और एक अनचाहे शख्स का साथ, पता नहीं क्या सोचता होगा वो। प्लीज लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही। अजीब लापरवाह औरत हो तुम, सारी जिंदगी मैं तुम्हें समझाता रहा कि ये जेवरात घर में नहीं रखने चाहिए, बैंक में लॉक कर लो और वहां रखो, लेकिन कोई बात मानती ही नहीं हो तुम। इस वक्त नहीं मिल रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है, ढूंढ तो रही हूँ मैं, आप भी ना बस हर बात पर मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। बस सासा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे चाबी नहीं ढूंढी जा रही इस वक्त, अब मैं सुबह देख लूंगी, अभी अभी जाने दे। सुबह देख लेना, वरना फिर मुझे बताना, मैं वो ताले वाले को बुला के लाऊंगा, उससे खुलवाएंगे और क्या हो सकता है। अब आप भी अब आराम कर लेना, सुबह बहुत काम है। नहीं नहीं मैं ये लिस्ट कंप्लीट कर लूँ, ये बहुत जरूरी है, तुम सो जाओ मैं बाहर बैठा हूँ। Bye.
ये लीजिए दुल्हन साहिबा, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, जल्दी से कर लीजिए। तुमने क्यों बना लिया, मैं बना लेती ना। क्या गजब करती हो, और मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? वैसे भी हमारे यहाँ पर दुल्हने काम नहीं करती, हालांकि नानी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना मुझे जरा अकेले में फरिया से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बड़ी अम्मी, सब कुछ खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है फरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सराह साहब को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम मुझे बचा लो। लेकिन बताएं तो बड़ी अम्मी, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें सुनकर बुरा तो बहुत लगेगा फरिया, लेकिन तुम ही मुझे बचा सकती हो। सराज साहब को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, उनकी तो सेहत वैसे ही ठीक नहीं है। मुझे डर है कि मजीद उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। खुदा ना करे बड़े अब्बा को कुछ हो, आप मुझे बताएं तो क्या करना है, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हारा ना सारा जेवर बना दूंगी, बल्कि मैंने सोचा हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सारा जेवर बना के तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकी। लेकिन तुम फिक्र मत करना, माया आ जाए, मैं माया से बात करूंगी, उससे पैसे ले लूंगी और फिर तुम्हारे सारे जेवर बनाकर तुम्हें दे दूंगी। बड़ी अम्मी आप क्या कह रही हैं, प्लीज मुझे बताएं तो हुआ क्या है। तुम्हें फरिया पता है ना कि तुम्हें अपने बड़े अब्बा से क्या कहना है? देखो फरिया, तुम ही हो जो इस वक्त इस बड़े हंगामे को टाल सकती हो। सिराज तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेंगे, मैंने सेफ की चाबियां पहले ही छुपा दी हैं। ये बात इस वक्त आसानी से टल जाएगी, बात की बाद में देखी जाएगी। अब चलो। बड़ी अम्मी आपने अम्मी का सारा सेवर दे दिया, कोई भी चीज बाकी नहीं रही आपके पास, उनकी कोई एक तो निशानियां होगी ना आपके पास, कुछ भी। एक आध अंगूठी वगैरह पड़ी है, वो तुम अपने पास रख लेना फिलहाल, इस मसले को तो हल करो ना। मेरे सर पे मुसीबत बनकर खड़े हैं सिराज साहब, पूरी रात सो नहीं सकी मुझसे। चलो सिराज साहब, वो फरिया को आपसे कोई बात करनी थी। मैंने मना भी किया कि तुम्हारे बड़े अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन जिद करने लगी कि मुझे बात करनी है, तो मैंने कहा कि खुद चलकर ही कह देती हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना है? वो बड़े अब्बा, मैं कह रही थी कि मेरी अम्मी का जो जेवर बड़ी अम्मी के पास है वो कुछ दिन यहीं रहने थे। मैंने कभी इतनी चीजें संभाली नहीं है ना, मुझसे कुछ ना कुछ जरूर खो जाएगा, मैं कुछ दिन बाद ले लूंगी। ये सबक तुम पढ़ा के लाई हो ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ तुम ऐसा क्यों करोगी, सही कह रही हो नादरा, तुम ऐसा क्यों करोगी भला? तुम ये सब कुछ इसलिए करोगी, इसलिए करोगी ऐसा, तुम ऐसा इसलिए करोगी। ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटा उसकी कदर करना, ये जो कुछ भी हुआ है ना उसमें फरिया का कोई कसूर नहीं, वो बेचारी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। खैर अब इतनी भी बेचारी नहीं है वो। तुम्हें अब भी उसमें गुस्सा है? सच बताओ, अब अगर तुमने उसको दुख दिया या गुस्सा किया
तो ये समझो तुमने मेरे साथ किया। मैं उस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई, मुझे शर्मिंदा मत करना। खिलाफ़ जज्बाती हो जाती हैं। मैंने कब किया उस पर गुस्सा? खुशी खुशी शादी कर रहा हूं ना। क्या ऐसे क्या देख रही है मुझे नानी, जैसे मैं कोई मुजरिम हूं? माफ कर दें, हर वक्त आप डांटती रहती हैं उसके सामने। इस तरह आप मुझे बार बार डांटेंगी ना, तो वो यही सोचेगी इस इंसान की अपने घर में भी कोई इज्जत नहीं है। अच्छा बस करो, ज्यादा बातें ना बनाओ, इतना ढेर सारा काम पड़ा है। और ये राना भी ना फरिया के पास चली गई है, अभी बुलाती हूँ उसे। यही वो सब कुछ है ना जो तुम मुझसे छुपा रही थी, मुझसे झूठ पे झूठ बोली चली जा रही थी, और अपने झूठ में उस मासूम को भी शामिल कर रही हो जिससे मैं नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। प्लीज ऐसा मत कहें बड़े अब्बा, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और बड़ी अम्मी की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो बस बहुत गलत किया है तुमने। तुमने जरा नहीं सोचा, एक यतीम के माल पे डाका डाला है तुमने। ये मासूम बच्ची जो बिन माँ बाप की बच्ची है, हम थे इसके माल के अमीन, हम थे, हमने हिफाजत करनी थी। अल्लाह के अजाब से कैसे बच सकेंगे हम, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं है सिराज साहब, मैं कोई इसके जेवर खा नहीं जाऊंगी। अगर इसकी इतनी जल्दी शादी नहीं हो रही होती तो मैं जेवर बनवा के रख देती। मुझे भी गुनाह और सवाब का पता है, मैं कोई काफिर नहीं हूँ। लेकिन एक बात सुन ले आप मेरी, मैं अपनी बेटी को इस घर से खाली हाथ रुखसत नहीं कर सकती थी। वो कैसी औरत हो तुम, किस ढिटाई से ये सब कुछ कह रहे? तुम्हें जरा मलाल नहीं है कि तुमने क्या किया? और कहां से लाओगे इतना पैसा? मैं तो मर के भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। जानती हूं अच्छी तरह से, अगर आप कमा सकते होते ना तो ये नौबत ही ना आती। फरिया, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, फिक्र मत करो। अरे अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए आपसे। माया मेरी अपनी बहन है, अगर ये सब कुछ उसके काम आ गया तो मुझे तो खुशी हुई इस बात की। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है ना, आज एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। प्लीज मुझसे वादा करें, आप इस बारे में बड़ी अम्मी से एक लफ्ज नहीं कहेंगे। प्लीज बड़े अब्बा, ये बात आज यही खत्म है, प्लीज वादा करें मुझसे। तो नहीं देख रहा, जिस लड़की की मैंने हमेशा तमन्ना की आज वो मेरी बीवी बन गई है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हें पता है तुम जब भी मेरे साथ कहीं बाहर जाती हो तो लोग मुझे हसद की निगाह से देखते हैं। तुमने मुझे कबूल करके मुझ पे एहसान किया और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। काश ये फैसला हमने पहले ही कर लिया होता। एनीवे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझेंगे कि हमारे दरमियान वक्त कभी हायल ही नहीं हुआ था, ना वक्त और ना कोई और। Thank you.
हेलो कौन? हेलो सलमान सलमान हद करती हो तुम माया, जोर जोर से मेरा नाम ले रही हो, दूसरी तरफ आवाज जा रही होगी, तुम्हें मना भी किया था मैंने। तो क्या फर्क पड़ता है सलमान, अगर दूसरी तरफ आवाज जा भी रही थी तो? खामखा परेशान हो रहा तुम। परेशानी की तो ये बात है, अभी सिवाय मेरे चंद दोस्तों के किसी को ये बात नहीं पता कि मेरी और तुम्हारी शादी हुई है, और ना ही मैं चाहता हूं कि ये बात खुले, इसी में हमारी बेहतरी है। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? शादी की है हमने, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाना है। जबकि जब देखी जाएगी माया, लेकिन फिलहाल ये बात दबी रहे, खास तौर पे मेरे घर वालों को ये बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, इसी में हमारा फायदा है, समझा करो। खैर अब जाने दो, सब ठीक है, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं, वैसे फोन किसका था? सेबुन ने साथी। कौन सेबुन ने साथी? मेरी बीवी। मैं मिट चुका हूँ तुझ पे, मरने के बाद जाना। जुनेद भाई को याद कर रहे हैं ना? मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा तो आप उन्हीं से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप उदास में थे। जुनेद भाई इस साल जरूर आएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही आएगा ना मैं फौरन उसकी शादी कर दूंगी, फिर वो हम सबके दरमियान यहाँ रहेगा, वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा मेरी तरफ तो देखें, मुझे बताए मैं कैसा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, बिल्कुल शहजादा लग रहा है मेरा बेटा। ये हुई ना बात ना। आपको तो बस अम्मार की तारीफ करने के लिए ना कोई मौका चाहिए होता है। बस ठीक ही लग रहा है, इतना कोई खास नहीं लग रहा है। शहजादों वाली मिसाल तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगी।
ये नानी और नवासे की बात है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? चालीस साल की। अच्छा तो फिर तुम ही बड़े दिल का मुजाहरा कर दो, बहन हूँ और साली भी, नेक का तो हक बनता ही है ना। चलो पैसे निकालो निकालो। माया क्या बात है, घर याद आ रहा है क्या? आज तो तुम्हारे कजन की शादी भी थी, फोन किया तुमने? नहीं। क्यों? तुम्हें उन्हें फोन करना चाहिए था, मैंने तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगा रखी। उन्होंने भी तो नहीं किया मुझे, जब उन्होंने मुझे याद नहीं किया तो मुझे भी क्या जरूरत है उन्हें पूछने की, यहाँ तक के फरिया तक ने मुझे कॉल नहीं की। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी फरिया, खुदा हमेशा दोनों को खुश रखे। माया की कमी बहुत महसूस हो रही थी, माया को शादी अटेंड किए बगैर नहीं जाना चाहिए था, एक ही तो बहन है फरिया की और वो भी नहीं थी, अजीब सा लग रहा था। अरे अब माया शादीशुदा है, वो तो वही करेगी ना जो उसका शौहर चाहेगा, अब दोनों ने मिलकर बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या पता असल किस्सा क्या है, इस लड़के से पहले माया की शादी तय थी, फिर पता नहीं क्या हुआ जो फरिया की शादी करनी पड़ी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कह रहा था, आज पूरी शाम से तुम खामोश हो, कोई बात है क्या? मैं सेब और निशा के बारे में सोच रही थी। कैसी है वो सलमान? क्या वो बहुत खूबसूरत है या फिर बस आम सी शक्ल? बताओ मुझे, जानना चाहती हूं मैं। आखिर जो तुमने कहा था वही हुआ, यही चाहती थी ना तुम? माया और मेरी शादी की मुखालफत तुमने पहले दिन से की, मुझे कहा कि मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करता हूं, बात तो उसी वक्त खत्म हो जाती अगर माया मुझे फोन करके गलत फहमी दूर ना करती। माया खुश थी, मैं भी खुश था, लेकिन तुमने ऐसा खेल खेला, इस तरह भड़काया उसको मेरे खिलाफ कि उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। बस बस कर दे अमार, शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी गिरी हुई बातें मत करें कि आइंदा नजर ना मिला सके। मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ हुई है आपको, बहुत चाहते थे आप माया को, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा देंगे और मैं मान जाऊंगी। मुझे आपके और माया के रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ठीक हो तुम, सच कहते हैं लोग, चोर से उसकी चोरी कबूल करवाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि मेरा और माया का रिश्ता तुमने खत्म करना है, तुम्हारी हैसियत सारी दुनिया को बताऊंगा मैं।
तुम्हारी वजह से मजबूरी में उसने सलमान से शादी कर ली। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी, आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं। तुम्हारे पास है क्या कहने के लिए? क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। नानी, राना, ये सब तुम्हें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारा असल चेहरा नहीं देखा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी जल्दी धोखा खा जाऊं। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।